हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 20 अगस्त को यहाँ पर सीटेट की परीक्षा होने वाली है, तो आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और प्रिंट निकाल लिया होगा। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड को डाउनलोड तो कर लिया है, प्रिंट भी निकलवा लिया है, लेकिन उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ा नहीं है। पिछले टाइम जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें एडमिट कार्ड के साथ में एक और पेपर, इम्पोर्टेंट पेपर आपको ले जाना होता था, जो था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि कोरोना की वजह से ले जाना होता था। तो क्या इस बार भी एडमिट कार्ड के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना अनिवार्य होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, इस बार भी यानी कि कल जो सीटेट एग्जाम होने वाली है 20 अगस्त 2023 को, उसमें भी आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में फर्स्ट लाइन में ही साफ यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है, द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस अस मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है और इसे लेकर जाना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा है यानी कि आपको लेकर जाना ही होगा। अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो शो ही नहीं कर रहा है, तो हम डाउनलोड कहाँ से करें? ना ही ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर रहा है, तो आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डली हुई है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की यह पीडीएफ डाउनलोड करके इसे प्रिंट निकाल लीजिए। सभी के लिए सेम फॉर्म रहेगा, एक ही पेज का तो फॉर्म है, आप आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट निकलवा कर फिलअप कर लीजिए। अब क्वेश्चन यह आता है कि फॉर्म फिलअप कैसे करें, तो यह अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ध्यान से, यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2023 अगस्त 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। मतलब कि मैं यह डिक्लेयर करती हूँ या करता हूँ कि इन सभी में से मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, यानी कि आपको कफ, कोल्ड, रनी नोज, फीवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे कि टिक करेंगे? तो ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ आपने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि आपको इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप इसे टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक कर देना है, क्रॉस नहीं करना है। अगर आपको इनमें से कुछ है तो आप क्या करते, आप इसे यहाँ पर क्रॉस करते। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रॉस करते, जैसे कि आपको फीवर है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर क्रॉस करते, लेकिन बाकी में तो आप टिक करते ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप इसे क्रॉस ना करें, टिक कर दें। चाहे आपको कोल्ड हो, फीवर हो या इनमें से कुछ भी हो, आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसी प्रकार से टिक कर देना है। क्योंकि अगर क्रॉस कर देंगे तो हो सकता है हमको पेपर दिलाने ना दिया जाए, तो यहाँ पे क्रॉस क्यों करना, आपको पेपर देना ही है, तो क्रॉस करके पेपर से बाहर क्यों होना चाहते हैं? सभी यहाँ पर टिक कर दें, क्रॉस बिल्कुल भी ना करें। और इसको फिलअप करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, जिसका यूज़ हम अपने एग्जाम में करते हैं, बस उसी पेन का आपको यूज़ करना है। अब टिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने यह सर्टिफाइड कर दिया है कि आपको COVID-19 वायरस नहीं है, तो यह हो गया। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, ये सब आप अपने एडमिट कार्ड को सामने रख लीजिएगा और उसे देख देख कर आप इसे फिल कीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, एडमिट कार्ड में जो नाम आपका लिखा हुआ है वही लिखना है, वहाँ से रोल नंबर भी आपको देख कर लिख लेना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ एग्ज़ाम यानी कि 20 अगस्त 2023 को, यानी कि कल इसका एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पे 20 अगस्त 2023 लिख देंगे। एग्ज़ाम सेंटर नेम एंड एड्रेस, ये भी आपको अपने एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जाम सेंटर का नेम और एड्रेस लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपको कर देना है, जो आपने एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर जो होकर आया हुआ है, जो आपने एडमिट कार्ड में किया हुआ है, बस वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। यह सब आपको घर से ही भर कर जाना है, एग्ज़ाम सेंटर में जाकर हड़बड़ी में सब कुछ नहीं करना है, आप इसे प्रिंट निकलवा कर घर से ही भर कर जाएँ। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा है, आप इसे फिल करके अपने साथ लेकर जाएँ और एग्ज़ाम सेंटर में आपको एंट्री के टाइम में आपको इसे दिखाना होगा। कई सेंटर में इसे चेक नहीं करते हैं, बट कई ऐसे सेंटर भी होते हैं जहां ये सारी चीज़ें यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा जाता है, इसे चेक किया जाता है और इसके बिना एंट्री नहीं दी जाती है। और इस बार एडमिट कार्ड में ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपको इसे लेकर जाना जरूरी है,
तो आपको क्यों ना लेकर जाएं। प्रिंट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है, बस प्रिंट निकाल कर फिलअप करके ले जाना ही तो है। तो आप इसे जरूर से अपने साथ लेकर जाइए, एडमिट कार्ड के साथ में इसे पूरी तरह से भर करके अपने साथ लेकर जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसे नहीं लेकर जाते हैं और वहाँ पर आपको बोला गया कि अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? आप फिर वहाँ पर कहीं प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। तो इसलिए आप इसे घर से ही फिलअप करके जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, इसे फिलअप नहीं किया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा कर इसे फिलअप कर लीजिए और टेंशन फ्री होकर कल एग्ज़ाम देने जाइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।